देश भर में सोशल मीडिया को लेकर राजनीतिक जंग छिड़ी हुई है। विपक्ष को मोदी पर निशाना साधने का मौका मिल गया है, लिहाजा फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब को लेकर जंग छिड़ी हुई है। सोशल मीडिया पर बीजेपी की बढ़ती लोकप्रियता से विपक्ष घबरा गया है। कांग्रेस के बाद अब टीएमसी को भी डर सताने लगा है कि कहीं आगामी विधानसभा चुनाव में सूपड़ा साफ न हो जाए, इसीलिए सीएम ममता बनर्जी अभी से ही बहाने ढूंढना शुरू कर दी हैं। ममता ने बीजेपी को फेसबुक को लेकर घेरा है। ममता ने आरोप लगाया कि फेसबुक बीजेपी के पक्ष में काम कर रहा है। ममता बनर्जी ने बाकायदा फेसबुक के संस्थापक मार्क जकरबर्ग को चिट्ठी लिख दी है। टीएमसी की ओर से 28 अगस्त को ये चिट्ठी लिखी गई, जिसमें फेसबुक पर बीजेपी के प्रति पक्षपात करने का आरोप लगाया है। टीएमसी से पहले कांग्रेस की ओर से भी मार्क जकरबर्ग को चिट्ठी लिखकर ये ही मसला उठाया गया था। दरअसल पूरा मामला ये है कि बीते दिनों अंतर्राष्ट्रीय मीडिया के कुछ रिपोर्ट्स ने दावा किया है कि फेसबुक इंडिया में पॉलिसी मेकर अंकित दास ने कई मामलों में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को छूट दी। हेट स्पीच को लेकर बीजेपी के नेताओं पर एक्शन नहीं लिया गया, इसी कारण कांग्रेस की ओर से जकरबर्ग को चिट्ठी लिखकर बीजेपी का साथ देने का आरोप लगाया गया। कांग्रेस को इस बहाने मोदी सरकार को घेरने का एक बहाना मिल गया है और तभी से फेसबुक पर राजनीति जारी है। दूसरी ओर केंद्रीय आईटी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने भी मार्क जकरबर्ग को चिट्ठी लिखी। इस दौरान उन्होंने राइट विंग के खिलाफ माहौल बनाने और फेसबुक के कुछ अधिकारियों की सरकार के प्रति गलत बयानों का हवाला दिया है। हालांकि फेसबुक पर जो आरोप लगे हैं उस पर फेसबुक की तरफ से कोई आधिकारिक बयान अभी नहीं आया है, लेकिन बीजेपी के सोशल मीडिया पर पकड़ मजबूत होने से विपक्ष हताश हो गया है और ममता बनर्जी सबसे ज्यादा चिंतित इसलिए है क्योंकि बंगाल विधानसभा चुनाव में अब बस कुछ ही महीने बचे हैं और बंगाल में बीजेपी की लोकप्रियता बढ़ती जा रही है। ऐसे में ममता दीदी की नींद अभी से ही उड़ गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।